हेलो एवरीवन, कैसे हो आप सब लोग। तो अभी बज रहे हैं 3:30 और हम सो रहे थे और यहाँ देखिए पैसा गिरा हुआ है बिस्तर पे। यश ने रखा होगा तो मम्मी बोली कि चलो थोड़ा सा खेत में, आज लहसुन लग रहा है हमारे यहाँ, लहसुन की बुआई हो रही है तो चलो सब लोग मिलके लगा लेते हैं ताकि जल्दी से लग जाए। तो मैंने सोचा कि क्यों ना ब्लॉग स्टार्ट कर दिया जाए और आप लोगों के साथ हमारे खेत में क्या मतलब कैसे बोया जाएगा लहसुन आप लोगों के साथ शेयर करना चाहिए, क्योंकि बहुत लोग बहुत शौकीन होते हैं खेत में मतलब घर में लहसुन साग सब्जी उगाना। तो आप लोगों को भी थोड़ा सा हेल्प हो जाएगा, क्योंकि हमारे पापा जो है ना बहुत खेत वगैरह के मामले में बहुत अच्छे से केयर करते हैं अपने खेतों को, कैसे बोया जाता है मतलब बारीकी से उनका काम रहता है और बहुत सफाई से हर चीज़ साग सब्जी वगैरह उगाते हैं। तो आप लोगों को दिखाना चाहिए ताकि आप लोगों को भी थोड़ा सा नॉलेज हो क्या कैसे होता है। और हमारे पापा जी बैठे हैं नीचे ही, पापा जी नहीं करेंगे, हम लोग पूरी फैमिली मिलके करेंगे। तो अभी जा रहे हैं नीचे, चलिए मिलते हैं अभी आप लोगों से नीचे चल के सीधे। फ्राई नहीं हो पाता है, बहुत तेज धुआं हो रहा है। तो आज अभी ना लौकी काट रहे हैं, उसके बाद लौकी के दाल बनाएंगे, लौकी दाल के लगदावा जिसको बोलते हैं लगदावा, तो बनाने जा रहे हैं। और यहाँ चावल बचा हुआ था तो उसको फ्राई कर रहे हैं। पूरा है, भरा हुआ है, भरा है नहीं। ऐसा बना के कहीं से बिना कुकर न रह जाए।
कौआ नहीं कुआ कुछ चाचा पूछ रहा है मजदूर कब देंगे मजीन कैसन मजीन वो चाचा पूछ रहा मजदूरी मजदूरी दे के लिए बैठा है ना कुर्सी लगा के एटीएम वहाँ खाली ना है ना एटीएम पैसा आ जाए तो सबके बाहर दिए। हेलो एवरीवन गुड मॉर्निंग। तो अभी बज रहे हैं मॉर्निंग का 10 और मैं बैठी हूँ यहाँ अपने खिड़की पीछे वाले रूम में खिड़की के पास और रोशनी काफ़ी हो गई है तो देखिए इतना ज़्यादा रोशनी आ रहा है कि पौधा नहीं दिख रहा मतलब पेड़ वगैरह नहीं दिख रहा है। और 10 बज रहे हैं खाना पीना मतलब मेरा जो भी हो बन गया है और जैसा कि आप लोगों ने देखा कि आज मेरे यहाँ नाश्ता मतलब खाने में बना है लौकी डाल के और चने की दाल मिला के उसको डावा बोलते हैं हम लोग तो वही बनाए हुए हैं रोटी सब्जी चावल बस। और कल तो लहसुन लगाते लगाते ज़्यादा टाइम हो गया था काफ़ी लेट हो गया था तो मैंने लेट में वीडियो शुरू किया था तो एंड भी नहीं किया था तो सोचा आप लोगों से थोड़ी देर बात कर लूँ और बता दूं कि कल हमारे यहाँ पूरी फैमिली मिलके लहसुन लगाए हैं आप लोगों ने देखा ही होगा तो मज़ा आया था ना आरू मज़ा आया था ना कल। और आरू अपने बाबा से ना मांग रही थी क्या मांग रही थी क्या मांग रही थी नौकरी मांग रही थी मजदूरी मांग रही थी बाबा हम लोग काम किए हैं हम लोगों को मजदूरी दीजिए तो बाबा बोले कि अरे बेटा एटीएम नहीं चल रहा है बैंक बंद है बाद में मजदूरी देंगे ना बाबा उल्लू बना दिए। और देख आप लोगों ने देखा कि कैसे मेरी पूरी फैमिली जो है मिल के लहसुन का मतलब बीज लगा रहे थे और हमारे पापा जी बैठे हुए थे कि हाँ ऐसे ऐसे लगाओ और बहुत अच्छे से पापा हमारे खेत वगैरह मतलब पेड़ पौधे बहुत ध्यान देते हैं कुछ भी हो साग सब्जी वगैरह बहुत अच्छे से मेंटेन रखते हैं। अब तो ज़्यादा नहीं कर पाते हैं अभी बच्चे ही कर लेते हैं सारा काम मतलब हमारे दो दिन बाद तो वो नहीं कर पाते नहीं पहले बहुत अच्छे से खेत वगैरह मेंटेन रखते थे हर साग सब्जी जो भी होता था वो पापा हमारे खेत में उगा लेते थे अब नहीं कर पाते हैं तबीयत खराब ठीक नहीं रहती उनकी तो वहाँ बैठ के हम लोगों से लहसुन लगवा रहे थे। और क्या इसमें शर्म की क्या बात है अपना अपना घर है अपनी खेती है अपना अपने घर में साग सब्जी उगाएंगे खाएंगे तो ज़्यादा सही नहीं रहेगा ना आरू। हाँ तो तुम तो दादी अम्मा हो पूरी ना तो कौन सा मंजन करती हो ये वाला ये मंजन है हाँ अभी वंश भैया आएगा खेलूंगी बल्ले 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 पिटाई भी करेगा वंश भैया पिटाई भी करेगा क्यों तो अभी बैठे हैं हम यहाँ पे पीछे वाली खिड़की मतलब पीछे रूम की खिड़की है और मेरे घर मतलब मेरा ये वाला रूम बहुत ज़्यादा गंदा हो गया है पेंटिंग करवाना है ना आरू पेंटिंग करवाना है और दिवाली भी आ रही है लेकिन अब इस साल नहीं हो पाएगा लग रहा है। जब मेरी मम्मी छत पे जाएंगी वो करते हैं ऐसे वाला मेरी मम्मी वह साड़ी पहन पापा के ऊपर करेंगे पापा के ऊपर गिर जाएंगी नहीं हाँ। वो ऐसे छानते हैं ये आरू बता रही करवा चौथ के बारे में कि मम्मी हमारी करेगी बड़ी मम्मी नहीं करती है क्या आप कहाँ करते पागल देखिए मम्मी के साथ मैं बुआ कर रही थी पर पापा फोटो रखे हुए हाँ तो किसकी फोटो वही तो मम्मी और अरे पिछले साल हम वहाँ थे ना नानी यहाँ थे इस बार तो साथ में रहेंगे ना
और उससे पहले तुम छोटी थी, तुमको ध्यान नहीं है, हम लोग साथ में करते थे। छोटी थी, छत पे नहीं आई थी। आने वाला है, उसकी तैयारी कर रहे हैं। इसके बाद दिवाली आएगी, बहुत ज़्यादा काम हो जाएगा ना आरू। तैयारी तैयारी, फंक्शन ही फंक्शन, मतलब फेस्टिवल फेस्टिवल है। अगली बार मैं मम्मी के साथ पूजा करेंगी बड़े पापा का। बड़े पापा, बड़े पापा को पूजा क्यों करेंगे? क्यों बड़े पापा की पूजा तो हम करेंगे, आप ही को बोल रही हो, आप ही करेंगे। हाँ इस बार करेंगे ना, देखना तुम यही। हाँ इतनी दिन सोच रहे थे रिंग लाइट ले लेंगे करवा चौथ तक, क्योंकि अंधेरा रहेगा छत पे तो लग रहा है नहीं ले पाएंगे। देखते हैं कब तक में लेते हैं। और अभी वंश आने वाला है, आरती लेके आ रही हैं और काफ़ी लंबा हो रहा है मेरा ब्लॉग। तो चलिए इस ब्लॉग का करते हैं यहीं पे एंड, और मिलते हैं नेक्स्ट ब्लॉग में। अगर अच्छा लगा हो मेरा ब्लॉग तो एक लाइक कर दीजिएगा, लाइक कर दीजिएगा। हमारे चैनल पे नए हो तो सब्सक्राइब कर दीजिएगा और अपने फैमिली दोस्तों के साथ शेयर कर दीजिएगा। तो और बेल आइकन को दबाना मत भूलिएगा, क्योंकि अगर बेल आइकन नहीं दबाएंगे तो कोई भी वीडियो मेरा जाएगा तो नोटिफिकेशन नहीं मिलेगा। और प्लीज़ प्लीज़ बेल आइकन को दबाना और सब्सक्राइब नए हो तो कर दीजिएगा। तो मिलते हैं नेक्स्ट ब्लॉग के साथ, तब तक के लिए बाय। मिलते हैं नेक्स्ट ब्लॉग में।